हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दलजीत कौर के बारे में, और इस वीडियो में खास बात करेंगे दलजीत कौर और निखिल पटेल के डिवोर्स के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो रियलिटी शो बिग बॉस 13 फेम दलजीत कौर इन दिनों अपने छात्र जिंदगी को लेकर खबरों में चल रही हैं, और ऐसी खबरें हैं कि एक्ट्रेस की दूसरी शादी भी टूट गई है। और शादी करीब एक साल बाद ही दलजीत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से निखिल पटेल के सरनेम को हटाकर शादी की तस्वीरें भी हटा दी थी। और इतना ही नहीं, दलजीत केन्या से भारत लौट आई हैं और कहा जा रहा है कि वो निखिल से अलग हो गई हैं। और इस बीच दलजीत ने अपने पति निखिल पटेल पर कई आरोप लगाए हैं, और दलजीत कौर ने निखिल पटेल पर चीटिंग के भी कई इल्ज़ाम लगाए हैं। और इसके बाद एक्ट्रेस के पति ने भी सामने आकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा था कि इस साल जनवरी में दलजीत ने अपने बेटे जेटन के साथ केन्या छोड़कर इंडिया वापस जाने का फैसला किया, जिसकी वजह से हम अलग हो गए और हम दोनों को एहसास हुआ कि हमारे परिवार की नींव उतनी मजबूत नहीं थी और हमारे दोनों के कल्चर को लेकर भी काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो रही थी। और शादी को लेकर फ्रेंड्स भी कंफ्यूज हैं कि आखिर अपने रिश्ते को लेकर दोनों के मन में क्या चल रहा है। और अब इसी बीच दलजीत कौर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने अपनी हल्दी मेहंदी से लेकर शादी के हर फंक्शन के वो मूवमेंट शेयर किए हैं, जिसमें निखिल व दलजीत काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और इस वीडियो कैप्शन दलजीत ने लिखा है, एक साल 3 महीने पहले। और इतना ही नहीं, दलजीत कौर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है जिसमें एक्ट्रेस गले में मंगलसूत्र पहने हुए नज़र आ रही हैं। और इस फोटो वीडियो को देखकर फैंस ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दलजीत कौर पति निखिल पटेल की याद में तड़प रही हैं, और एक्ट्रेस अपने हर शादी के मूवमेंट को शेयर कर रही हैं और दुखी हो रही हैं, और ये बता रही हैं कि ये सब एक साल 3 महीने पहले हुआ था। और बता दें कि बिग बॉस 13 फेम दलजीत कौर ने पिछले साल मार्च में मुंबई में केन्या स्थित बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी की थी, और बेटे जेटन के साथ शादी के बाद एक्ट्रेस केन्या चली गई थी। हालांकि शादी के एक साल के अंदर ही दलजीत और निखिल के रिश्ते में मुश्किलें आने लगीं। तो आशा से इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।